Rudana galara bahasiantu kamru kam shanda hasiantu kamru kasa. Rudana galara hasiantu gabara gahate nikial rahasiantu kam riandura. Riandu hambaru hoshe kial rahasiandura. Radandiandu gambro hase kial rahasiantu hombaru hose. Horian suantara kala rahashe kiantu kamru kombaru hose. Rediantu hamdrigere hase kiantu kala rahasta. ओरियां सियां खबरो हो तना कसिया तरह हसियां तो होलो रोहो से हर रहा सियां खबरो हो तना कसियां तो होम दो रोहो से रेतियां तो कमरियां से किया रसियां तो हो सो रो सो करो रेदने के ले रह से कियां सो रियां स्तो फादर वी थैंक यू लॉर्ड वी प्रेज यू जीसस वी ग्लोरीफाई यू फादर गॉड जीवन बदलने वाला परमेश्वर आशाओं को देने वाला परमेश्वर शैतान को हमारी खातिर घुड़काने वाला परमेश्वर हमें आनंद और शांति से भरने वाला परमेश्वर जीवितों में हमारी गिनती रखने वाला परमेश्वर हमको मरने नहीं देने वाला परमेश्वर हमको मौत के जबड़े में से छुड़ा कर लाने वाला परमेश्वर अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद करते हैं थैंक यू जीसस बीमारियों को चंगा करने वाला परमेश्वर लाइलाज बीमारियों को चंगा करने वाला परमेश्वर टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला परमेश्वर जहां जहां पिता परमेश्वर पैरालिटिक क्रिपल्ड ऐसा अंग है उसको सवारने वाला परमेश्वर उसमें ताकत भरने वाला परमेश्वर सूखे हाथ पैर को पिता परमेश्वर जिंदा करने वाला परमेश्वर मेरे परमेश्वर जो आशा खो दिए हैं, जो मृत्यु के शैया पर है जो पिता बीमार अवस्था को लेकर चले हैं और वो सोच रहे हैं कि उनके लिए अब कोई आशा नहीं है उनके लिए अब बस मृत्यु ही है वहां पर तू आज जिंदगी लेकर आने वाला परमेश्वर जो लोग पिता अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे खुदा जो परमेश्वर बीमार चंगे होने के लिए प्रार्थना कर रहे परमेश्वर जहां पर पिता परमेश्वर एक्सीडेंट्स हुए हैं जहां पर पिता परमेश्वर चोटें ऐसी लगी है कि इंसान मर जाएगा अभी मेरे परमेश्वर वहां पर चमत्कार करने वाला तू परमेश्वर है खुदा मेरे मसीह भाई बहन आज परमेश्वर तेरे सामने है खुदा मेरे मसीह भाई बहनों की प्रार्थनाओं के सुनने वाला परमेश्वर तू है खुदा आज परमेश्वर ऐसा अद्भुत चमत्कार कर दे खुदा आज अद्भुत चमत्कार कर दे परमेश्वर जो लोग पिता जिनके अंदर परमेश्वर आज तू काम करने के लिए रास्ते बनाया है वहां पर परमेश्वर आज तेरा काम प्रकट हो जाए यशुआ आज तेरा काम प्रकट हो जाए यशुआ यीशु तेरे नाम से मांगती हो सुन और कबूल कर पिता आमेन 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 रेदियां तो खंबर रहस्यां तो खंबर रहस्य किया ल रहस्य हेदान दियां तो खंबर रखसे किया ल रहस्यां तो खंबर रह होरियां जुहाल रहस्या तो नोखरो बहुसे रेदन दियां तो खाम रुको होशे किया ल रहस्य ऐस कुर बाहर खांदा हस्यां तो खम रखे रिहस्य ऐजो बोरो हो सियांदु गा रहा से क्या लाजियांदु हो सो तू जख्म करता है और तू चंगाई भी देता है परमेश्वर तू हृदय तोड़ता है और दोबारा बनाता भी है परमेश्वर तू बनाने वाला और बिगाड़ने वाला दोनों भी परमेश्वर तू एक ही है खुदा हालेलुया फादर गॉड ओरियां सुअंत खल्ला रहस्या खबर रहस्या तू खर रहा रेदियां दुआंदियां दहल्ला रखसिया खबर रखसिया तू रा ओ मेरे परमेश्वर जुबान खोलने वाला परमेश्वर है तू गूंगे को बोलने की आजादी देने वाला परमेश्वर है तू मेरे परमेश्वर बहिरों को सुनने के कान देने वाला परमेश्वर है अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है तू आज तेरा चमत्कार होना है खुदा आज तेरे बातें परमेश्वर प्रकट होना है खुदा हमारे प्रार्थनाओं से अंधे देखने लगे खुदा आज लंगड़े चलने लगे परमेश्वर आज परमेश्वर जो मृत्यु के शैया पर है खुदा जो परमेश्वर मृत्यु के बिछौने पर है और वो अपने मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं आज वो जिंदगी बदल जाएगी परमेश्वर आज वो जिंदगी को पाने लगेंगे आज उनके जीवन बदलने लगेंगे उनकी तबीयत सुधरने लगेगी आज वो परमेश्वर तेरे नाम को गौरव देना सीखेंगे कि ये वो परमेश्वर है जिसने हमको मौत के मुंह से निकाल कर बाहर लाया हालेलुया आज परमेश्वर हमारे प्रार्थना का जवाब आ रहा है खुदा आज तू तेरे आत्मा को भेजकर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है खुदा जिनके पिता परमेश्वर
पैर कट गए जो परमेश्वर पिता डायबिटीज के कारण कट गए, या हाथ कट गए परमेश्वर पिता, जो भी कारण से परमेश्वर पिता जो पॉइजन के कारण उनको वो काटना पड़ा है, आज वहां पर नया हाथ आ जाए, आज वहां पर नए अंग बनने लगे, और परमेश्वर आज वहां पर नए सिरे से परमेश्वर उनके शरीर के अंग उनको दोबारा मिलने लगे, वो शरीर के अंग के कारण जो खेद है उनको, जो दुख है उनको, वो आज निकल जाने का समय आ चुका है, आज वो असंभव को संभव होते देखने का समय आ चुका है। मेरा परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बेड रिडन है खुदा, जो पिता परमेश्वर अपने आप को दूसरों के हवाले रखे हैं, दूसरे लोग उनको खाना खिलाते हैं, नहलाते हैं, और परमेश्वर उनके जीवन को पिता परमेश्वर वो संभाल रहे हैं, और उनको पिता 24 आवर्स केयर टेकर की जरूरत पड़ती है, आज वो परमेश्वर चंगाई पाने का रास्ता खोल दिया है तूने। धन्यवाद करते हैं, वो धन्यवाद करते हैं आबा पिता। ओ रिबा खता न खा सिके भी रेखे ती न खा सियान तु खंबर रखा रदे निके नम हाता न खा सियान तु खंबर रखा सिके रिबी रेखे ती न खा सियान तु खा रिदा न खा नम हाता न खा सिके ती न खा नम होता न खा सियान तु खंबर रहा। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद हो यीशु मसीहा, धन्यवाद हो यीशु मसीहा, धन्यवाद हो आबा परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरा गौरव हो परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए खुदा, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए यीशु मसीहा। आज पवित्र आत्मा काम करने दे खुदा, आज तेरा आत्मा काम करने दे यीशुआ, आज तेरे लहू का काम होने दे परमेश्वर, आज तेरे पवित्र आत्मा का काम होने दे खुदा। आज मेरे वो लोग खुदा परमेश्वर जो तुझे जानते भी नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर आज उन्होंने ये रिकॉर्डिंग को खोल कर पिता आज वो परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनने लगे हैं, और परमेश्वर उनको समझ में आया कि एक परमेश्वर है जिसके द्वारा मेरा जीवन बदल सकता है। मेरे परमेश्वर आज उनके जीवन के अंदर काम कर खुदा। मेरे परमेश्वर अगर खुदा परमेश्वर वो इस जगह में खुदा ऐसे कोई ऐसे समय से गुजर रहे हैं कि मेरे पिता परमेश्वर उनका काम या उनके जीवन ऐसे बिगड़े पड़े हैं खुदा कि वो पूरी तरह से निंदा के से घिर गए हैं, कोई भी प्रकार से परमेश्वर उनको आनंद नहीं है जीवन का, वो सब जगह से परमेश्वर अपने आनंद को खो चुके हैं, ऐसे समयों में से परमेश्वर पिता आज तो उनको बचने का रास्ता देने के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ खुदा। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग ये प्रेयर रिकॉर्डिंग सुन रहे और मसीह नहीं है खुदा परमेश्वर, आज उनके जीवन के अंदर का वो श्राप मिटा दे खुदा। उनके अंदर जो परमेश्वर वो समय को गुजार रहे खुदा, उनको लग रहा है कि परमेश्वर यही जिंदगी है और बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, मेरे परमेश्वर उनको सच्ची जिंदगी क्या है बता दे खुदा। आज वो समय होने दे खुदा, उनके आत्मा को आजाद कर खुदा, उनके आत्मा को नया करने वाला सामर्थ्य बहा दे खुदा, उनके पाप अपराध क्षमा होने का आज समय दे दे खुदा। आज पास्टर्स, लीडर्स, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल्स, तेरे वरदानों से भरे हुए लोग आज इनके पिता मुलाकात करने लगे, और परमेश्वर पिता आज उनके घरों घरों में खुदा सुसमाचार आ जाए, यीशु मसीह मुक्तिदाता है। मेरे यीशु मसीहा का नाम ऊंचा कर खुदा, खुदा मेरे मसीह यीशु का नाम उनको पिता वो रास्ता दिखाने लगे जो पिता परमेश्वर उन्हें कभी नहीं देखा था खुदा, उनको कभी मालूम नहीं था खुदा कि कभी ऐसा भी मार्ग सत्य जीवन है। मेरे यीशु दुनिया भर में खुदा जहाँ कहीं हिंदी लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं और उन्होंने पिता ये प्रार्थना को रिकॉर्डिंग को ओपन किया और वो पिता मसीह नहीं है, मेरे परमेश्वर आज तो एक अद्भुत काम उनके अंदर ये प्रकाश खोल दे खुदा, आज खोल दे परमेश्वर, आज परमेश्वर तेरा आवाज उनको सुनने दे खुदा, आज तू परमेश्वर उनको तेरी भेड़ बनने का मौका दे खुदा परमेश्वर। मेरे यीशुआ आज वो मौका उनके हाथों से जाने मत दे खुदा, उनको वो मौका खोने मत दे परमेश्वर। मेरे यीशु मसीहा उनके लिए कोई भी ऐसी वजह मत रख कि मेरे खुदा परमेश्वर वो पलट कर चले जाए, ऐसा मौका मत रख खुदा। मेरे परमेश्वर अगर उन्होंने रिकॉर्डिंग खोला है, रिकॉर्डिंग सुनने लगे हैं, तो ये काम तू पूरा होने दे खुदा, जो तू शुरू करता है उसे अंत भी करता है खुदा। आज मेरे लोग परमेश्वर जो रिकॉर्डिंग को सुन रहे खुदा, जो मसीह भाई बहन नहीं है खुदा, आज उनको पलट कर जाने मत दे परमेश्वर, आज तू उनको पलट कर जाने मत दे यीशु, आज उनके मन की हालत को परमेश्वर तू आज टच कर खुदा, आज उनके मन की सोचों को तू टच कर खुदा, आज उनकी कल्पनाओं को तू टच कर परमेश्वर, आज उनके कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस को टच कर खुदा, आज परमेश्वर उनके सोल स्पिरिट बॉडी को तू टच कर यीशु, उनके हृदय
को तू टच कर यीशु, उनके गहरी बातों को तू टच कर खुदा, उनके अंधेरे के कामों को तू टच कर परमेश्वर, उनके अंधेरे के विश्वास को तू टच कर यीशु, आज तू टच कर उनको खुदा, आज तू टच कर उनको खुदा परमेश्वर, उनका जहां भरोसा है उसको आज तू टच कर परमेश्वर, आज तेरा स्पर्श होने दे उनको खुदा, आज परमेश्वर आज तो उनके साथ कुछ तो काम कर खुदा परमेश्वर, आज मेरे खुदा परमेश्वर आज वो समझ जाए कि सच्चाई का रास्ता कौन सा है और वो कौन से रास्ते पर है, मेरे परमेश्वर आज मार्ग बदलने का उनका निर्णय बनने दे खुदा और वो निर्णय पूरा कर परमेश्वर, आज परमेश्वर मार्ग सत्य जीवन से जुड़ने का निर्णय बनने का आज परमेश्वर उनको पिता पूरी तरह से परमेश्वर आजाद कर, मेरे परमेश्वर वो निर्णय बना रहे खुदा और वो अंत तक तेरे आगमन तक परमेश्वर उस निर्णय के अंदर चलते जाए, वो तेरे मसीह शिष्य बन जाए खुदा, तेरे चेले बन जाए परमेश्वर, पूरी तरह से तुझ पर विश्वास करने वाले बन जाए खुदा परमेश्वर, पिता परमेश्वर जैसा तूने वचन में कहा है वैसी उनकी जिंदगी बना दे खुदा, कोई भी प्रकार से उनके जीवन को पिता कहीं पर से भी परमेश्वर तुझसे अलग जाने का रास्ता मत रख खुदा, कोई भी प्रकार से परमेश्वर उनके जीवन को तू कहीं से भी परमेश्वर पिता बच के निकल जाने का रास्ता नहीं रखना, जो शैतान का आत्मा उनको बचकर निकल जाने के रास्ते सुझाएगा तो भी वो जाने ना पाए परमेश्वर, वो तेरे ही साथ बने रहे ये प्रार्थना के अंदर से वो तेरा आनंद पाते रहे परमेश्वर, और वो तेरे आनंद में परमेश्वर इतना अलग परमेश्वर अपने जीवन का मार्ग पाले कि उनके अंदर जितना शैतान ने क्विकन किया है परमेश्वर, जितना शैतान की आत्माओं ने उनके अंदर घर किया है, जितना शैतान उनको गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है, मिसडायरेक्ट कर रहा है खुदा परमेश्वर, वो आज अलग करके समझने लगे कि अरे ये तो शैतान ही था और अब मैं जो हूँ वो सरल मार्ग पर हूँ, मेरे परमेश्वर यहोवा आज तो उनके साथ बात कर कि यीशु मसीह मार्ग सत्य और जीवन है खुदा, तेरा आत्मा देकर परमेश्वर उनको पाप क्या है वो बता खुदा, मेरे परमेश्वर उनको पाप की परमेश्वर जो बातें है वो समझा कि पाप कैसा है और क्यों होता है और क्या है वो और वो कैसे पाप के साथ जुड़े हुए हैं और उनको पाप की क्षमा की जरूरत कैसे है और वो पाप की क्षमा कैसे हो सकती है और पाप की क्षमा कौन दे सकता है और परमेश्वर तेरा वचन क्या कहता है और बाइबल कहाँ मिलेगी, प्रार्थना कैसे किया जाता है, पापों की क्षमा कैसे प्राप्त की जाती है, ये सब सब कुछ परमेश्वर आज तो उनके लिए ज्ञान खोल दे परमेश्वर, और मेरे यीशु मसीहा वो ज्ञान के पीछे चलकर अपने आप को पिता उस मार्ग में परमेश्वर उतार सके और वो मार्ग चलने के लिए शुरू हो सके, इतना सामर्थ्य आत्मा अभिषेक दे दे खुदा, और मेरे खुदा परमेश्वर उनके सारे पिता झूठ के भरोसे खुदा उनको बेनकाब करके दिखा दे परमेश्वर कि कितना बेनकाब हो गया है वो, सब कुछ जो उनको आश्रय दिखा रहा था, वो जो उसको कह रहा था कि कुछ नहीं होगा बस यही रास्ते से चलते रहो, और परमेश्वर उनको पता चला कि वो खुद शैतान है और वो शैतान जो उनको रास्ता दिखा रहा था उसके लिए परमेश्वर ने नर्क की आग रखी है और जिसके अंदर ना मरने वाले कीड़े है जो उसके लिए पनिशमेंट है और जो कोई उसके साथ होगा उसको भी वो इंसान को भी और जितना कुछ भी उसके साथ होगा वो सबको शैतान के लिए जो पनिशमेंट है वही पनिशमेंट उनको भी हो जाएगा, मेरे परमेश्वर आज वो पिता दूध का दूध और पानी का पानी आज तू वो लोगों को दिखा दे जो ये रिकॉर्डिंग को पिता ओपन किए और परमेश्वर वो बंद करने की कोशिश करते हुए पिता परमेश्वर इस रिकॉर्डिंग को सुनते जा रहे, मेरे परमेश्वर मेरे आबा पिता आज वो लोगों की सुधि ले खुदा परमेश्वर, वो मनुष्य जाति है खुदा परमेश्वर, हम उनको नफरत नहीं कर रहे खुदा, हम उनको परमेश्वर तेरे बारे में पिता आज ये प्रार्थना में से दुआएं लगा रहे खुदा कि परमेश्वर पिता तू आज उनकी सुधि ले, आज परमेश्वर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किए हुए बहुत सारी बातें है खुदा परमेश्वर, जो पिता कॉम्प्रोमाइज कर दिए है और परमेश्वर वो ऐसे ही जीवन जी रहे पीढ़ी से पीढ़ी तक जी रहे और उनको मालूम ही नहीं कि इसमें से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है, मेरे परमेश्वर आज वो समय है खुदा परमेश्वर कि उनके जीवन बदल जाए, वो न्याय को समझने लगे, वो धर्म को समझने लगे, धार्मिकता को समझने लगे और मेरे यीशु मसीह के अंदर से वो सत्य मार्ग जीवन को समझ कर
पाने लगे मेरे परमेश्वर, वो तेरा पीछा करने लगे, उनकी आत्मा बदल दे परमेश्वर, उनका मन हृदय बदल दे परमेश्वर, उनको नया हृदय और नया आत्मा दे परमेश्वर, जो तेरी अगुवाई को प्यार करता है, जो तेरे वचन से लगाव रखता है और तेरे साथ संगति में चलने का अनुभव पाता है, जो तुझे विश्वास करता है, जो तेरी बातों को तुच्छ नहीं जानता है, जो तेरी बातों का भरोसा करता है और वही मानते हुए चलता है, तेरा भय रख कर चलता है, वो आत्मा परमेश्वर तू आज उनके अंदर दे। मसीह यीशु की नई वाचा उनको मिलने दे खुदा, उस मसीह की नई वाचा में परमेश्वर आज तू उनको आने दे परमेश्वर, आज तेरा रास्ता खोल उनके लिए परमेश्वर। मैं तेरे से विनती करती हूँ, असंभव नहीं है खुदा, उनके अंदर कोई भी ऐसा व्यवहार है जिसको पिता परमेश्वर वो लोग जानते हुए पिता वो तेरे से अलग रास्ता निकाल कर चले जाने के लिए भी पिता तैयार होंगे, तो वो सब कुछ परमेश्वर आज कमजोर कर दे खुदा, तुझसे अलग होकर जाने का उनके लिए कोई ऑप्शन ही ना रहे खुदा, कोई ऑप्शन ही ना रहे परमेश्वर पिता मेरे खुदा परमेश्वर, उनको एकदम क्लियर कट मनुष्य जाति में क्या होना चाहिए और तू उनको क्या देना चाहता है, एकदम क्लियर कट उनके साथ बात कर परमेश्वर, उनको कंफ्यूज मत रख, उनको परमेश्वर ऐसे ही पिता गुमराह होते रहने मत दे, भटकते रहने मत दे परमेश्वर, उनको ऐसे ही भ्रम में पड़े रहने मत दे खुदा, उनको एकदम क्लियर कट बता परमेश्वर शैतान कौन है और तू परमेश्वर यहोवा तू कौन है, यीशु मसीह कौन है और पवित्र आत्मा कौन है और बाइबल का वचन क्या कहता है और शैतान क्या कहता है और शैतान के राज्य में क्या है पिता, एकदम क्लियर कट उनको परमेश्वर, उनके अंदर से ये सब कुछ पिता तो सही ढंग से उनको समझा पिता। और मेरे परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि तेरा आत्मा काम करने लगे खुदा, तेरा आत्मा परमेश्वर उन पर रहम करने लगे खुदा, उनके ऊपर नाराज ना हो, उनकी उनसे खेदित होकर अलग ना जाए खुदा, मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा उनके अंदर काम करने दे यीशुआ, तेरा आत्मा उनके अंदर काम करने दे यीशुआ, तेरा आत्मा उनके अंदर काम करने दे मसीह यीशु, मैं तेरे से विनती करती हूँ तेरा आत्मा उनके अंदर काम करने दे यीशुआ, मैं तेरे से मांगती हूँ यीशु मसीहा, तेरा आत्मा काम करना चाहिए उनके अंदर खुदा, तेरा आत्मा अगर काम करेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, तेरा आत्मा काम नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है परमेश्वर, सब कुछ यीशु तेरे आत्मा के द्वारा होना है परमेश्वर, ना तो बल से ना ताकत से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये सब कुछ होना है परमेश्वर। आज मेरे लोग खुदा जो ये वचन ये प्रार्थना को सुन रहे आज खाली हाथ नहीं लौटना है खुदा, आज उनके अंदर चमत्कार होना है परमेश्वर, वो खाली हृदय लेके आज पलटना नहीं है, वो खाली जीवन लेके आज पलटना नहीं है, आज कहीं पर भी वो खाली खालीपन से पिता आगे नहीं जाना है, आज वो पिता आज आज वो रास्ता पाना है जो उनके अंदर एक मजबूत चट्टान बन के जाएगा। मसीह यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ आज वो रास्ता पाना है उनको जो तेरे अंदर मजबूत चट्टान बनकर जाएगा खुदा, तेरे अंदर मजबूत चट्टान बनकर आएगा खुदा, मेरे परमेश्वर आज चट्टान 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 का ताकत आज परमेश्वर उनके अंदर आना है खुदा, और वो कोई हिला नहीं सकेगा परमेश्वर, वो कोई तूफान हिला नहीं सकेगा, कोई संकट कोई धर्म कोई जाति कोई भेदभाव कोई भी विपत्तियां उसको हिला नहीं सकेगी मेरे खुदा, ऐसा चट्टान आज उनके अंदर बना दे खुदा, बना दे यीशु, बना दे यीशु, बना दे खुदा, बना दे ऐसा फाउंडेशन बना दे खुदा, जो चट्टान है खुदा, जो चट्टान है खुदा, जो कभी ना डगमगाने वाला चट्टान है, तो चट्टान ही बना दे उनको, बना दे परमेश्वर, बना दे यीशु, बना दे यीशु, मैं तेरे से विनती करती हूँ बना दे खुदा, ये तेरे आत्मा से संभव है खुदा, ये तेरे आत्मा से अवेलेबल करा जा सकता है खुदा, ये तेरे आत्मा से पॉसिबल किया जा सकता है परमेश्वर, ये तेरे आत्मा का काम है परमेश्वर, ये तेरे आत्मा के ताकत का काम है परमेश्वर, आज कर दे खुदा, कर दे मेरे यीशु, आज कर दे, जितने लोग पिता ये रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़े है खुदा, आज वो खाली हाथ ना जाए खुदा, आज वो खाली हाथ ना जाए, वो उनके चट्टान फाउंडेशन बन के जाए खुदा, उनके अंदर चट्टानी फाउंडेशन बन के वो जाए खुदा, मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा काम करने दे, तेरा आत्मा काम करने दे, तेरा आत्मा काम करने दे, तेरा आत्मा अभिषेक काम करने दे परमेश्वर, आज तेरा आत्मा काम करने दे, अगर वो लंगड़े हैं तो वो आज चलने लगे खुदा मेरे परमेश्वर, अगर उनके कोई भी अंग सूखे पड़े हैं जिसके अंदर जान नहीं है आज वो जान पा ले खुदा, अगर उनका ब्रेन डैमेज हुआ है
उनके ब्रेन सही हो जाए खुदा। अगर उनके ब्लड में कोई पिता अपराध है, पाप है, गुनाह है, श्राप है, आज मिट जाए पिता। उनके मसल्स में कोई गुठलियां है, आज वो निकल जाए परमेश्वर मेरे यीशु मसीहा। अगर उनका शरीर का कोई भाग टूटा फूटा है, आज वो रिपेयर हो जाए। कोई भी भाग इंटरनल एक्सटर्नली काम नहीं कर रहा है, वो आज काम करने लगे मेरे परमेश्वर। अगर वो अंधे है वो देखने लगे, गूंगे है तो बोलने लगे, बहरे है तो सुनने लगे। आज अगर कोई हड्डी टूटी है तो वो जुड़ने लगे। आज अगर कोई भी प्रकार से इंसान का स्ट्रक्चर खराब हो चुका है तो परमेश्वर वो शरीर का स्ट्रक्चर सीधा हो जाए। अगर इमोशनली पिता कोई डिस्टर्ब्ड हो चुका है, आज वो डिस्टर्बेंसेस निकल जाए। अगर इच्छा भावनाओं में और मन सोच विचार कल्पनाओं में जो कोई व्याकुल है, उसकी व्याकुलता निकल जाए। और परमेश्वर उसके अंदर आत्मा में अगर कोई ताकत है खुदा, जो तुझे धिक्कारती है, तुच्छ जानती है, नकारती है, तुझसे नफरत करती है, वो सब ताकत उसके आत्माओं से निकल जाए परमेश्वर। और वहां पर परमेश्वर का आत्मा कब्जा कर ले खुदा। उनको खाली घर बने ना रहने दे, साफ किया हुआ खाली घर बने ना रहने दे मेरे परमेश्वर। उसके अंदर तू अपनी आत्मा को बढ़ा दे खुदा, उसके अंदर तू अपनी आत्मा को बढ़ा दे खुदा परमेश्वर। मेरे यीशु मैं तेरे से मांगती हूँ, उनके अंदर तेरी आत्मा को बढ़ा दे खुदा परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीहा। तू बढ़े और हम घटे पिता, तू बढ़े और हम घटे यीशु मसीहा, तू बढ़े और हम घटे यीशु मसीहा। आबा पिता तेरा जगह बनाने के लिए पिता, इस मिट्टी के अंदर तेरी जगह बनने के लिए पिता मैंने प्रार्थना की है। ये मिट्टी का बर्तन है जिसने रिकॉर्डिंग खोलकर पिता ये परमेश्वर पिता सुनने के लिए अपने आप को बढ़ाया है। ये मिट्टी का बर्तन है परमेश्वर, ये नहीं जानता है खुदा इस मिट्टी के अंदर क्या क्या है खुदा परमेश्वर, ये नहीं जानता है। उसकी हुनर को वो नहीं जानता है, उसकी काबिलियत को वो नहीं जानता है, और वो नहीं जानता है कि परमेश्वर उससे कितना प्यार करता है। वो नहीं जानता है कि वो जो माँ बाप नहीं कर सकते हैं, वो हमारा परमेश्वर यहोवा उसके लिए कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर। उसको वो आजादी दे खुदा परमेश्वर, इस मिट्टी को वो इस्तेमाल कर सके खुदा, इस मिट्टी का वो उपयोग कर सके तुझे गौरव देने के लिए। ये मिट्टी का बर्तन एक तैयार हो रहा है खुदा, तेरे लिए तैयार हो रहा है। इसको छोड़ना नहीं खुदा, इसको त्यागना नहीं। इसकी गलतियों के कारण तो उससे अलग नहीं होना खुदा, उसके कोई भी पिता परमेश्वर मन की कठोरता के कारण तो उसको छोड़कर जाना नहीं परमेश्वर। मैं तेरे से विनती करती हूँ परमेश्वर, उसकी नादानियों को माफ करते रहना खुदा, उसके सारे अपराध को माफ करते रहना खुदा। वो तेरे अंदर पूरी तरह से परिपक्व बन जाए खुदा, वो तेरे अंदर परिपक्व बन जाए यीशुआ, यीशुआ वो तेरे अंदर परिपक्व बन जाए, और वो तुझे जानने लगे यीशुआ, और वो तुझे जानने लगे, और वो तेरे साथ साथ चलने का आनंद प्राप्त कर ले। वो पूरी दुनिया से अलग होकर वो तेरे साथ बने रहना सही डिसीशन, सही चुनाव समझने लगे खुदा। खुदा आज वो मार्ग बदल दे खुदा, जो ड्रग एडिक्शंस में जा रहे, जो परमेश्वर अल्कोहल्स में जा रहे, जो पत्नी को छोड़कर पिता दूसरी औरत के पास चले जाते हैं, या पति को छोड़कर दूसरे आदमी के पास जाते हैं, जो घर के अंदर पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जो भाई बहन एक दूसरे को मारते हैं पीटते हैं, जो पिता परमेश्वर घर घर में पिता खाने पीने के पिता परमेश्वर कमजोर अवस्था है कि वहां पर खाना पीना नहीं मिल सकता है मेरे परमेश्वर, जो खा नहीं सकते, पी नहीं सकते हैं, जो खाना खा नहीं सकते, पानी पी नहीं सकते हैं, ऐसा उनका बीमारियां है। जो परमेश्वर पिता उनके शरीर कुछ काम नहीं कर पा रहे, उनके शरीर पिता ऐसे ही पिता एक प्रकार का माहौल पकड़ के बैठ गए हैं, जो हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते हैं खुदा, खुदा परमेश्वर कोई जोश नहीं है उनके शरीर के अंदर, ऐसे अवस्था में जो पड़े हुए मिट्टी के बर्तन है परमेश्वर, आज तेरी चंगाई उसके अंदर आने दे। चमड़ी के रोग खुदा, जो लोग घिन करते हैं उनसे और दूर भागते हैं, आज वो परमेश्वर शर्म उनके अंदर से चली जाए, वो रोग चंगाई पाने लगे परमेश्वर। एड्स हो, टीबी हो परमेश्वर पिता, लाइलाज बीमारियां हो जिसके बारे में डॉक्टर्स ने कह दिया, कैंसर हो परमेश्वर कि डॉक्टर्स ने कह दिया इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता है मेरे परमेश्वर, और वो शर्म के साथ झुका दिए गए हैं, लोग उनकी निंदाएं कर रहे परमेश्वर, उनको बदनामी के ऊपर बदनामियां दिया जा रहे, और परमेश्वर उनको लोग हंस रहे हैं कि देखो कैसा उनका हालत हो गया है। आज परमेश्वर उनको चंगाई दे दे परमेश्वर, मेरे अब्बा पिता उनको शर्म से झुकने मत दे खुदा, उनको लाइलाज बीमारियों से अलग होने वाला
वाला रास्ता दे दे परमेश्वर, उनके जीवन बदलने वाले रास्ते दे दे, उनके सेल्स और टिश्यूज नया बना दे, उनके बोन्स नए बना दे, उनके ब्लड नया बना दे खुदा परमेश्वर, उनके ब्रेन सिस्टम्स, उनके नर्वस सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम्स और परमेश्वर उनके सारे इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो पिता परमेश्वर उनको परेशान कर रहे, दवाइयों के पीछे पिता उनको दौड़ा रहे, और परमेश्वर उनके जीवन के अंदर परमेश्वर पिता हर बार उनको हॉस्पिटल से एडमिट होना पड़ता है मेरे परमेश्वर, एक्सरे के ऊपर एक्सरे, केमोथेरेपी और परमेश्वर ऐसी कितने सारी चीजें उनको करनी पड़ती है जिसका खर्च होता है खुदा, वो जितने कमाते हैं वो सब कुछ गवा देते हैं मेरे परमेश्वर, ऐसे सब जगह में से उनकी आजादी हो जाए खुदा, आज वो चंगाई को पाले परमेश्वर और ये आनंद पाले, तृप्त हो जाए कि सच में परमेश्वर कभी मिट्टी के बर्तन को सही ढंग भी दे सकता है, वो एक सही रास्ता भी दे सकता है। ये मिट्टी के बर्तन टूटने वाले हैं खुदा, ये मिट्टी के बर्तन परमेश्वर बिखर जाएंगे खुदा अगर तूने दया नहीं किया तो, ये मिट्टी के बर्तन मर जाएंगे खुदा अगर तूने दया नहीं किया तो परमेश्वर मेरे खुदा, कोई कुष्ठ रोगी है तो उसके ऊपर भी तू दया कर, अगर परमेश्वर कोई लेप्रसी का परमेश्वर कोई इंसान है तो भी तू उसके ऊपर दया कर परमेश्वर, अगर कोई पिता अपने जुबान के श्राप के कारण पिता परमेश्वर अगर ऐसे फंदे में फंसे है जहां से वो अलग नहीं हो सकते है तो उसमें से उनको निकाल, और कोई ऐसे मूर्ति पूजाओं के या कोई भी जादू टोना के अंतर मंतर जंतर के अंदर फंसे पड़े हैं आज उनको भी आजाद कर दे परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर श्मशान घाट की साधना करते हैं, भूत साधना करते हैं, भूत विद्याओं को पिता अपने गले लगाकर घूमते हैं, आज परमेश्वर अगर ये प्रार्थना को वो सुन रहे खुदा परमेश्वर तो आज उनको अलग करके बता दे कि वो मिट्टी के बर्तन में क्या होना चाहिए मेरे परमेश्वर पिता, आज मिट्टी के बर्तन आजाद होने के समय है खुदा, आज मिट्टी के बर्तन आजाद होने के समय है खुदा, आज मिट्टी के बर्तन की डाकूखोरियों के अड्डे खुदा आज परमेश्वर खत्म होने के समय है पिता, व्यापार जो परमेश्वर परमेश्वर का घर बनना चाहिए वो घर को जो व्यापारी बना के रखा है, व्यापारी का घर बना के रखा है, डाकुओं के अड्डे बनाकर रखा है, उसके अंदर स्मोकिंग होता है, उसके अंदर परमेश्वर ड्रग एडिक्शन होता है, वेश्यागामी होता है, उसके अंदर परमेश्वर स्त्री जाति को नाश किया जाता है, उसके अंदर पैसे चुराए जाते हैं, उसके अंदर घर खानदान बर्बाद किए जाते हैं, गाड़ दिया जाता है, नहस तहस किया जाता है, लोगों के अंदर के सारे जीवन की अवस्थाओं को पिता बिकट कर दिया जाता है, आज वो सब तबाही का माहौल उस मिट्टी के बर्तन में से हटाने का समय है मेरे परमेश्वर, आज घर खाली करने का समय है पिता, आज मिट्टी के घर खाली होने के समय है परमेश्वर, आज सब जगह में मिट्टी के घर खाली होने का समय है परमेश्वर, आज तेरी आजादी आने का समय है परमेश्वर, आज तेरा आगमन है परमेश्वर, आज तेरा आगमन उन घरों के अंदर होना है खुदा, जिन घरों के अंदर अभी तक तेरा आगमन हुआ नहीं है यीशुआ, आज उस घर के अंदर वो हृदय के अंदर परमेश्वर आज तेरा स्थान बनने का समय है, वो मिट्टी का बर्तन आज तू अपने लिए लेने का समय है खुदा, जिसको परमेश्वर ठुकराया गया है, जिसको पिता परमेश्वर विपत्तियों ने ले लिया है, जिसको शैतान ने ले लिया है, जिसको शैतान के षड्यंत्र ने ले लिया है, जिसको शैतान की गुलामी ने ले लिया है, जिसने शैतान ने खरीदा हुआ जैसा ले लिया है, आज वो परमेश्वर पिता मिट्टी का बर्तन आजाद कर दिया जाएगा, आज वो परमेश्वर की आजादी को पाएगा, आज परमेश्वर का आत्मा वो शरीरों को आजाद करने जा रहा है खुदा, यीशु का आत्मा जो शरीरों को आजाद करने जा रहा है खुदा, यीशु का आत्मा उनके अंदर आजादी को ला रहा है, और वो परमेश्वर उनके मार्ग सरल कर रहा है, वो परमेश्वर आज उनका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, वो अंधकार में से अलग होकर प्रकाश में आ रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से मैं बोल रही हूं कि ये सब कुछ संभव हो रहा है, ये वचन के आधार पर संभव हो रहा है, और जितने लोग परमेश्वर मेरे सब्सक्राइबर्स है खुदा, मेरे व्यूवर्स है परमेश्वर, जितने लोगों ने प्रार्थना के विषय लगाए है खुदा परमेश्वर, हर जगह में आज परमेश्वर एक अद्भुत चमत्कार है खुदा, आज वो खाली हाथ नहीं रहेंगे खुदा, तेरा आत्मा का बारिश आज उनके सारी समस्याओं को सुलझाएगा खुदा, आज एक अद्भुत काम तो करेगा खुदा परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने मेरा आदर किया परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने तुझसे प्यार किया परमेश्वर, उन्होंने तेरा पीछा किया पिता, तेरे आत्मा को परमेश्वर उन्होंने गले लगाया परमेश्वर, आज वो खाली हाथ नहीं जाएंगे परमेश्वर, आज उनके जीवन में आज वो सब कुछ सफल हो जाएगा जो उनको चाहिए, उनके जीवन के अंदर वो अपेक्षा कर रहे, प्रेयर रिक्वेस्ट देके अपेक्षा कर रहे खुदा, आज वो पूरा हो जाएगा खुदा मेरे परमेश्वर, वो जो आशा कर रहे हैं कि कोई तो उनके लिए ऐसी प्रार्थना करे कि उनके जीवन की ये समस्या सुलझ जाए, अब्बा फादर, अब्बा फादर कहां तू, कितना दूर है तू पिता, तू बस एक होठों
उनके करीब परमेश्वर एक शब्द में भरा हुआ है खुदा, बस वो शब्द तक है खुदा, तू इतना करीब है, तू परमेश्वर उनके लिए इतना करीब है उनके लिए खुदा, उनके जुबान खोल दे परमेश्वर, उनको वो शब्द बोलने के लिए आजाद कर जो उनके चमत्कारों को उनके अंदर ला सकता है, जो उनकी परिस्थितियां उनको बदल सकता है, जो परमेश्वर का शब्द है, जो समर्थ का शब्द है, जो चट्टानी तूफानी शब्द है, वो आजाद कर उनके अंदर परमेश्वर, आज उनको बोलने दे परमेश्वर, आज उनको क्लेम करने दे वो प्रोमिसेस पिता, जो उनके जीवन के हर प्रकार से सहायता कर सकता है, हर प्रकार के तूफान शांत कर सकता है, हर बीमारियों को लताड़ कुचल के हटा सकता है, हर शक्तियों को वो गिरा सकता है, वो तूफानी सामर्थ्य आज मेरे सब्सक्राइबर्स के अंदर, मेरे व्यूवर्स के अंदर, मेरे लोग जो पिता परमेश्वर आज तुझे पीछा करते हुए मेरे यूट्यूब चैनल को ढूंढ रहे हैं खुदा परमेश्वर, आज वो तुझे जानने के लिए ढूंढ रहे परमेश्वर, आज उनके साथ ये चमत्कार होने दे परमेश्वर, आज उनके साथ ये चमत्कार के ऊपर चमत्कार बहने लगे परमेश्वर, ये तेरे आत्मा का काम होने लगे, गौरव महिमा यीशु को मिले खुदा, यीशु के नाम ऊंचा हो जाए खुदा, पवित्र आत्मा को धन्यवाद कहते हूँ खुदा कि ये परमेश्वर का आत्मा है जो ये सब कुछ किया जा रहा है खुदा, ये सब कुछ परमेश्वर तू 100% फसल ला रहा है खुदा, तू 100% गवाहियों को तैयार किया है खुदा, 100% तैयार किया है, मैंने उसके अंदर जाके देखने की जरूरत नहीं है खुदा कि सच में मेरी प्रार्थना पूरी हुई या नहीं, ये सब कुछ हो गया है, यस एंड Amen, Hallelujah, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ, आज तरक्कियों का समय है, आजादियों का समय है, आज ऊंची ऊंची गतियों को पाने का समय है, तेज गतियों का पाने समय है, आज सारी जगह में परमेश्वर तेरी तेरी ओर से आने वाला ब्रेक थ्रूस का समय है, तेरी ओर से मिलने वाले समय है खुदा, आज तेरी ओर से बदलने वाले समय है खुदा, आज तेरी ओर से होने वाला समय है पिता, आज सब कुछ तेरी ओर से है खुदा, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये सारी प्रार्थनाओं को पिता जहां जहां मैंने फैलाया है हर जगह तेरा लहू लगा देती हूँ यीशु मसीहा, तेरे लहू को पंख के समान उसके ऊपर लगा देती हूँ खुदा, और परमेश्वर इसके अंदर परमेश्वर तेरा आत्मा बहने दे, और वो इतना गहराई से बहा खुदा कि यहाँ का कोई भी इंसान बच के नहीं जा पाएगा, वो तेरा आशीष पिता झंझोड़ झंझोड़ कर उसके जीवन में भर दिया जाएगा, ठोक ठोक कर भर दिया जाएगा, ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स उसके अंदर भर दिया जाएगा परमेश्वर, मेरे खुदा परमेश्वर वो सोच में पड़ेगा कि मैं ये आशीष रखूं तो और कहां रखूं, खुदा परमेश्वर उसको रखने की जगह कम पड़ेगी खुदा, इतना महान चमत्कार मेरे व्यूअर्स में, मेरे सब्सक्राइबर्स में, मेरे लिए पिता परमेश्वर इंतजार करने वाले लोग जो तेरा आनंद और शांति पाना चाहते हैं, मेरे रिकॉर्डिंग का वेट करने वाले लोग, मेरे लाइक करने वाले लोग, और पिता परमेश्वर पिता मेरे सारे जगह में कमेंट्स करने वाले हर एक इंसान पर आज तेरी बरसात होने दे, आज तेरी बरसात होने दे, अंधेरा घट जाए उनके जीवन में, प्रकाश बढ़ जाए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन।